हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, उनका मैसेज है आपके लिए। तो चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपके पार्टनर आपसे बात भी कर रहे हैं और बातें भी छुपा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन उनके लाइफ में कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो आखिर वो क्या कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओम चैंटिंग, पीस और शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। एंजल्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करे, दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे, कृष्ण गोविंद गाइड करे। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे, एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, इनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा चलती है डियर, ठीक है, पास्ट को लेकर। शायद इन्होंने कोई पास्ट में ऐसे डिसीजन लिए हैं या फिर अचानक से इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो इन्हें पछतावा है, और इस वक्त जो भी सिचुएशन उनके लाइफ की है या आप दोनों के रिश्ते की है, इस वक्त उनके मन में चल रहा है किसी तरह बैलेंस करना है और इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये पर्सन ऐसा भी है कि काम पर बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं, और हो सकता है इनके काम में अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, अच्छा अवंडेंस ना हो, ज्यादा प्रेशर काम पर डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया उनका इनको पछतावा आज भी है, चाहे वो जो भी डिसीजन इन्होंने लिया हो। देखो, आपने हो सकता है इस वक्त मौका देना बंद कर दिया, ठीक है, आपने खुद को कंट्रोल किया हो, ये भी हो सकता है। इस वक्त हो सकता है वो भी चुप है और आप भी खामोश हो, लेकिन इनके मन में अब डर सा आने लगा है आपके खोने का। अपने लाइफ से उन्हें आपको खोना नहीं चाहते, अपने लाइफ में वो लाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मैं बोल दूं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली प्रेशर है और पेरेंट्स का भी दबाव है, ठीक है। तो देखिए डियर, यहाँ पे इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, ठीक है, पेरेंट्स का दबाव है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं पर ये जता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ही स्ट्रांग, मेरे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जो हो सकता है आपसे कनेक्ट अब तक नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स है कि इस रिश्ते में उनका आज भी एक विश्वास है। देखिए, उनके दिल और दिमाग में आपने जो जगह बनाए हैं वहां से आप बिल्कुल नहीं निकल पाते हो, जैसे लगता है इनका कभी कभी दिमाग शून्य हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम पर प्रेशर है, काम में इतनी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही, काम की वजह से भी इनके लाइफ में प्रेशर है, ठीक है। और कुछ लोगों से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, किसी और लोग के थ्रू, या फिर हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग रहते हों, ऐसा भी कुछ के लिए है, उनके थ्रू आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और ये आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते का होप है, लेकिन इनको डर भी है कि शायद आप लाइफ में अब आगे बढ़ गए हो तो आप इनको अब नहीं चाहते, ठीक है। क्या ये पूछना चाहते हैं कि आपके लाइफ में उनकी अहमियत है, ये बहुत संकोचित भी हो रहे हैं डियर, ठीक है। देखिए, आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे बहुत शांति देती हो, ठीक है, आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत शांति और पीस देते हो और बहुत अनकंडीशनल लव देते हो, ठीक है। आपको याद कर भी कहीं ना कहीं इनके बॉडी में एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि तुम मेरे शरीर का एक अंग हो, दूसरा भाग हो, ठीक है, मतलब एक भाग आप शरीर का, दो भाग जैसे होते हैं, यिंग और यंग, शिव और शक्ति का, उसी तरह आधे हिस्से में आप हो और आधे हिस्से में वो, ऐसा वो फील करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ डियर, कंट्रोल ये खुद को बहुत कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनकी मैरिज हो चुकी हो, ठीक है, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चल रही है डियर, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा।
कुछ कमिटमेंट को लेकर कुछ बात हो रही है या फिर आपको लेकर रीयूनियन चाह रहे हैं, मतलब हो सकता है इनकी मैरिज हो चुकी हो या इनकी कमिटमेंट कहीं हो चुकी हो, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं। हो सकता है कि इनके दिमाग में भी हो कि आपसे मिलकर बात करें और हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट दें, कुछ ऐसी भी एनर्जी है। पछतावे की आग में तो ये जल रही, इन्होंने डिसीजन जो लिया है इससे ये पछतावे की आग में, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ये पर्सन अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस है, अपने करियर को लेकर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। और रह रहे कि आपकी याद आ रही है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे किसी से कंपैरिजन भी कर रहे हैं, अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा है थर्ड पार्टी हो या इनकी मैरिज हो चुकी हो या फिर पहले से मैरिड हो या इनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, अगर ये बात भी कर रहे हैं तो डियर कहीं ना कहीं आप दोनों की बातों से और आप दोनों में कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ किसे कंपेयर कर रहे हैं, ये आप हो, ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर कर रहे हैं। तो कौन सही है, कौन गलत है, कौन उनके लिए अच्छा है, ये कुछ जरूर सोच रहे डियर। तो यहाँ मुझे जो साइन दिख रहे हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एरीस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है, इस गलती का उन्हें एहसास हो रहा हो सकता है। बहुत ही स्ट्रांग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है डियर, ठीक है, लेकिन एक इंतजार है, सबसे बड़ा स्ट्रांग यहाँ मुझे एनर्जी दिख करा रही आपको लेकर। अगर कोई इनके लाइफ में है या इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन ले लिया है तो कहीं ना कहीं आप में उनमें कंपेयर बहुत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त इनके दिमाग में आप हो, लेकिन एक्शन चाहते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये आप तक पहुंचने की एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा है। हो सकता है अभी अभी इनकी मैरिज हुई हो, ये भी हो सकता है, या फिर इनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, या फिर पहले से ये मैरिड है, ठीक है, या आपसे छुप छुपा कर इन्होंने मैरिज कर ली है, तो कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही है या उनके साथ रह भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिख रही है, कंपैरिजन, ठीक है, और तेजी से वो बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त देखा जाए तो ओवर थिंकिंग कभी कभी ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन आप पर निगाहें भी रख रहे हैं और आप पर नजर भी रख रहे हैं, ठीक है। एज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है डियर, मैं एज बता देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे 28 दिख रहा है, ठीक है, 28, 30, 34, 39, 36, 37, 40, 43, 45, 44 भी कुछ लोग हैं, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, 44 भी है बहुत, 49 भी है, 48 भी है, 46 भी है, ठीक है, कुछ लोग 50 है, 50 प्लस भी हो, आप भी हो सकते हो मेरे व्यूवर्स, ठीक है, आपकी भी फैमिली हो सकते हैं, उनके भी फैमिली हो सकते हैं, ये आपके सीनियर भी हो सकते हैं, कोलिक भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, आप लोग एक साथ काम भी करते थे या करते हो, ऐसी भी एनर्जी है। और बहुत मैं देखूं तो यहाँ 50, 55 तक की मुझे जा रही है इस डियर, आप या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग देख पा रही हूं कि अगर नो कम्युनिकेशन है तो ये आपसे लगातार कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, लेकिन इनको गिल्ट है, मतलब आप समझ रहे हो, एक गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बहुत ही गिल्ट की है, ठीक है, थोड़ी सेपरेशन की भी है, कंपैरिजन की भी है, ठीक है, ये तीन चीज बहुत ही स्ट्रांग है। एक्शन लेने में ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये मुझे लग रहा है डियर कि थोड़ा सा गिल्ट में है, लेकिन खोने का भी डर है। मैं एक कार्ड भी निकालना चाहूंगी, ठीक है, यहां से एक कार्ड देख लेती हूँ डियर, एंजस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे, क्लियर कीजिए एंजस प्लीज, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, तो क्या वो, देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं डियर, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट हो, और ये प्लानिंग कहा ना मैंने, ये प्लानिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, ठीक है,
आप देखिए मन में कहा ना डर है, तो ये पर्सन जस्टिस आपको देना चाहते, हो सकता है कि इनके लाइफ में लीगल इश्यू चल रहा हो, थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे अनबन हो रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्द और पीड़ा को ये आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रू इंटेंशन है, ट्रू फीलिंग्स है कि वो आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टू ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। देखिए आपके लिए कितना पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ तेजी से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, देख लो आप कार्ड देखते जाओ, यहाँ सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो हो सकता है आपके व्यूवर्स लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके साथ प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवल का, या फिर जो पास्ट को लेकर ये ज्यादा सोच रहे हैं उस पास्ट से निकलकर आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लक आपका साथ देने वाला, गुड लक साथ, गुड लक आपके साथ है। देखिए यहाँ फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, आप उनको छोड़कर चले गए हो, एक अकेलापन है इनके लाइफ में, बिल्कुल अंधेरा है, हो सकता है कि इस वक्त हेल्थ इश्यू भी इनकी हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को आपको लेकर, ठीक है। इस वक्त देखिए ये पर्सन गिल्ट में है, पछतावे में है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, पछतावा है, गिल्ट है कि इन्होंने क्यों डिसीजन लिया पास्ट में, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, देख रहे हो एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, नहीं सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, सॉरी, तो देख रहे हो कितने सारे इनके दिमाग में सवाल जवाब चल रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर का क्या हाल है, अगर वो आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन वो आपको जस्टिस देंगे, इनके दिमाग में चारों तरफ से बहुत सारे सवाल जवाब है जो कि आपको लेकर है, पास्ट को लेकर है, कुछ ऐसे ही डिस्टर्ब है कि जैसे लगा इनकी दुनिया ही वीरान हो चुकी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ, देखिए ये नया स्टार्ट करने वाले हैं, आपको प्यार ऑफर करने वाले हैं या फिर अपने करियर को लेकर कोई न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, खुद को भी जस्टिस देंगे और आपको भी जस्टिस देंगे, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है, बर्डन है, हो सकता है हेल्थ इश्यू हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, काफी सोच है, नो कम्युनिकेशन है, यहाँ द सन की एनर्जी है, कुछ बढ़िया कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वो एक्शन लेंगे बहुत जल्द, लेकिन इस वक्त ये मत पूछिए डियर कि कब लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टनर बहुत जल्द आपके तरफ एक्शन लेंगे। डिस्टर्ब है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, नो कम्युनिकेशन में हो, लेकिन आपने कार्ड देखा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, अनकंडीशन लव करते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकती है, टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन काम की वजह से भी बहुत ज्यादा ये प्रेशर में है, लेकिन ये पर्सन जो भी है दिल का बहुत साफ है, बहुत इंटरटेन आपको भी करते हैं, बहुत आपको खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वही चीज ये आपके लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं, उस पल को दोहराना चाहते हैं, तो कुछ बढ़िया कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं निकला है डियर कि हाँ कब क्या होगा, कि नंबर्स बहुत सारे हैं, तो अभी आपको शायद अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये न्याय देंगे आपको तो न्याय देंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो ये थी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। ये वीडियो आपको कितनी रेजोनेट की और कितने लोग का रीयूनियन हुआ डियर जरूर कमेंट में लिखे, क्योंकि लोगों की मदद होती है, लोगों को हेल्प मिलता है, ठीक है, आपके लिखने से बोलने से और लोगों की मदद होती है जो अवेकनिंग से गुजरते हैं, तो आपकी हेल्प करने से उनका भी भला होता है और आपके भी अच्छे कर्म जुड़ते हैं। तो आप जरूर लिखें, बहुत लोग की रियूनियन हो चुकी है, बहुत लोग से बातें भी हो रही है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि खुद पर अभी वर्क करें, काम करें, लाइफ में कभी रुके नहीं, हार नहीं माने। और मेरे व्यूवर्स अगर नो कम्युनिकेशन में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है आपसे तो कहीं ना कहीं कुछ छुपा, लेकिन उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर है, लेकिन हो सकता है कि वक्त लगे, ठीक है, वो आपसे वक्त भी मांग सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा भी है कि जितना आप उनके हम दर्द हो, आप हीलर हो, और दुनिया में इनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि द सन की एनर्जी ऐसी होती है कि जिस तरह सवेरा आपने उनके लाइफ में लाए हो, जितनी खुशियां लाए हो, जितनी खुशियां बिखेरे हो, उसी प्रकार फिर से एक नई दुनिया, एक खुशियां अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स,
वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।